नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां आयोजित राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में लगभग 72 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर 1560 करोड़ का सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किया। इस दौरान शिवराज चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 30 लाख दावों में 1058 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने 4,30,000 परिवारों को पट्टा का वितरण भी किया। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के 75,000, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के 5,711 और स्वमित्विक योजना के लगभग 3,50,000 पट्टे हितग्राहियों को प्रदान कर दिए। उन्होंने 1,117 करोड़ 78 लाख की लागत से 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और जल कल्याण के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप हमने विकास गतिविधियों में कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया। किसान कल्याण के लिए उठाए गए कदम हो या कृषि बेहतरी के लिए संचालित गतिविधियां, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रदेश में सिंचाई के रकबे को लगभग 7,50,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर किया गया, जिसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। पानी की बचत के लिए पाइपलाइन से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए अनुदान पर ट्रांसफॉर्म की योजना पुनः आरंभ की जा रही है। किसानों को 0% पर ब्याज की व्यवस्था की गई। किसान भाइयों के लिए खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। डिफॉल्टर किसानों को सहकारिता की व्यवस्था से खाद उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों को यदि फसलों को नुकसान हुआ है तो सर्वे कराकर राहत की राशि और सफल बीमा का पैसा दिलवाया जाएगा। सीएम चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण की गतिविधि लगातार जारी है। प्रति माह किसानों को 1,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। यहां तक कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत भी किसान परिवारों को राशि प्रदान हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसान की आय दोगुनी करने में हम सफल रहे हैं। किसान अब 3-3 फसलें ले रहा है। इन फसलों की खरीद की व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान चौहान ने कहा कि गरीब कल्याण हमारी सरकार का मूल मंत्र है। हर गरीब परिवार को रहने की जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास में जो परिवार छूट गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। गरीब किसान युवा सहित सभी के विकास और कल्याण के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए लैपटॉप और स्कूटी उपलब्ध कराई जा रही है और युवाओं को कौशल उन्नयन के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को तो साध रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कितना कुछ सामने साफ तौर पर योजनाओं के तौर पर रखा है, इसका असर कितना चुनाव पर पड़ेगा, तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।